नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके माइंड लाइन के विषय में मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसर पर हम आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल हैंड का एनालाइज कर इस वीडियो में आपको पूरी बातों से अवगत कराऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन जिस एज में डिस्टेंस लेते हैं, उस एज से व्यक्ति ज़्यादा इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके लाइफ लाइन और माइंड लाइन एकदम तकरीबन सेम चल रहा है, कोई इसमें अंतर ही नहीं है। तो इसीलिए तकरीबन 20 की उम्र तक आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में क्या चल रहा था आपको खुद भी नहीं पता है, क्योंकि जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन इस प्रकार से प्रॉपर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो जैसा समय व्यक्ति को चलाता है वैसा व्यक्ति ही चलते जाता है। इसी दौरान में रिलेशन में भी आप आ गए, और ऊपर से कॉम्पिटिशन में भी आपने ध्यान नहीं दिया, और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये ऑटोमेटिकली हुई हैं, और आपने कहीं ना कहीं कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं किया कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नतीजा इसका निकलेगा। क्योंकि आप हमेशा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे ही बिलीव करते रहे हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते, प्लानिंग करते, या थोड़ा बहुत भी फ्यूचर के ऊपर गौर करते, तो इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा अफेक्ट आप नहीं होते। तो चलिए, उन सब बातों को छोड़िए इतना, क्योंकि वो पास्ट है, टिश्यू पेपर है, उसका कुछ यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आज आपका एक प्रकार से न्यूज़पेपर है, जो आप आज करेंगे वो खबर आएगी। तो आज आपका जो है वो मान के चलिए कि टेस्ट पेपर है, हर दिन आपको टेस्ट देना, और कल का दिन रहेगा न्यूज़पेपर, जो आज करेंगे वो कल आएगा। तो इसीलिए अब जो है, अब आप फ्यूचर के पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके क्या हो रहा है कि माइंड लाइन के ऊपर ये जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे चेंजेस हैं। अब क्या होगा कि आप अपने लाइफ में धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इतनी छोटी उम्र में आपने गेन कर लिया है, तो अब जो है आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर के फोकस हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा एकदम स्ट्रेट हो गई है। और इस कारण से व्यक्ति का फोकस में अच्छा जो है बदलाव देखने को मिलता है। यहीं से एक शाखा निकल के सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपके चल रही है, और यहाँ पर फिर इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है आपके हाथ में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है फोकस जो है फ़िलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा हिला डुला है, लेकिन अभी आपको मेडिटेशन की आवश्यकता ज़्यादा है। और आगे चल करके ये हो कि आप माइंड से जो है बहुत अच्छे निर्णय भी धीरे धीरे करके लेने लगेंगे, और यही रीज़न है कि ग्रोथ आपके लाइफ में फिर आगे चल करके बहुत अच्छा मिलने वाला है। जहाँ तक बात करें कॉम्पिटिशन की, तो वो भी आप क्रैक कर पाएंगे। और यहाँ पर बात करें आपके लेफ़्ट पाम में, तो लेफ़्ट पाम में भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ लाइफ लाइन है वो इंडिपेंडेंट इस हाथ में चल रहा है। लेकिन कब हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली लेटर एज में, माफ़ करें, ये जो इंडिपेंडेंट हुआ है ये तकरीबन 1920 का एज है, और ये जो फोकस में आने लगा है ये तकरीबन 23-24 के एज के अकॉर्डिंगली। तो लेफ्ट पाम में 23-24 है, राइट पाम में यही आपका 22-23 का उम्र है। तो इसमें एक दो साल का गैप होता ही है, फ़र्क पड़ता ही है ले दे करके। तो इसीलिए अभी का टाइम है अब लाइफ को सुधारने को। और यहाँ पर भी लाइन जो आपकी माइंड लाइन है एकदम स्ट्रेट चल रही है, जिसका मतलब यही है कि अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे, मेमोरी शार्प हो जाएगी, और यही रीज़न है कि कंपटीशन भी क्रैक करने के योग आपके बहुत ब्राइट है। विदेश जाने का योग भी है, और अब जो है जीवन में अच्छा लाभ मिलने का योग भी है। एक बात यही है कि सूर्य जो रेखा है यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो ये थोड़ा डिफेम करवाती है, और साथ ही साथ कोई भी काम में प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद या दूरी, वैचारिक मतभेद ही हो, लेकिन थोड़ा जो है ट्रबल देखने को मिलता है, और कोई भी काम करेंगे क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सूर्य के जो है आप रेमेडीज़ करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए यही बहुत ज़्यादा नीडेड है। और मंगल से भी कनेक्शन हो रहा है हृदय रेखा का, तो गुस्से पर कंट्रोल रखना है, मांगलिक होने के योगों को यह व्यक्त करता है। और तो इन सारी चीज़ों पर, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल आप करेंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल आपकी होते चले जाएगी। तो अब आते हैं आपकी एक्टिव और डोमिनेंट हैंड यानी राइट पाम पर, और यहाँ पर फिंगर का एनालाइज कर, पूरे पाम का एनालाइज करके आपको व्यक्त करूँगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम की कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे लोग एक प्रकार से प्री प्लान रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी योजना बनाएंगे बहुत सोच विचार के, कोई भी कार्य करेंगे बहुत सोच विचार के, और लाइफ में यही रीज़न है कि ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, यानी बाउंस बैक होता है आप जैसे लोगों में। बाउंस बैक यानी लाइफ में चाहे जितना भी ठोकर खाए हों या जितना भी बद से बदतर कंडीशन में, लेकिन वापस उठेंगे, चलेंगे और फिर दौड़ने लगेंगे, फिर
भले ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, लेकिन वापस उठेंगे, दौड़ने लगेंगे। मतलब यही है कि लाइफ में जो भी हर्डल्स ट्रबल आते रहेगा उसका सामना कर करके आप बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो है अच्छा, यहाँ पर फिंगर की लेंथ है तो लाइफ में ग्रोथ आपको अच्छी मिल पाएगी, पेशेंस लेवल आपके अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है, किसी के अंडर में आप कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे, अपने अंडर में दूसरों से अच्छा काम करवा पाएंगे। तो इसीलिए बाकी सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करके सिर्फ स्टडीज़ पे और अपने करियर पे अगर आप फोकस करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सक्सेस प्रॉपरली मिल जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम स्ट्रेट है और थर्ड फिंगर से कनेक्टेड है, तो कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख और समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात करें थर्ड फिंगर की, तो ये भी आपकी लंबी है, तो ये एक प्रकार के रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में कभी भी रिस्क लेने की बारी आई तो आप पीछे नहीं हटेंगे, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव है। रॉयल्टी आप अपने लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाएंगे, नेम फेम ये सारी चीज़ें भी आपको आपकी लाइफ में अच्छी मिल पाएगी। थोड़ा सा गैप भी है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है कि ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे आप, और साथ ही साथ खर्चीलापन भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अच्छे फ्रेंडली नेचर को बताती है, लेकिन थोड़ी जो यहाँ की आड़ी रेखा है ये रिलेशन में अनबन एवं मतभेद को बताती है। तो आगे चल करके फाइंड करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अदरवाइज थंब के साइज़ के विषय में है तो थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है। जब थंब शॉर्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग्स बहुत करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस को बहुत लाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर है आपका, एडजस्टिंग नेचर है। यही रीज़न है कि हर परिस्थिति माहौल में आप एडजस्ट ईजिली कर जाते हैं। यहाँ पर यव का साइन भी क्रिएट हो रहा है तो धार्मिक आप रहेंगे, आगे चल करके धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि भी लेंगे। सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी आपका बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करें, और लाइफ में मनी की भी कोई कमी नहीं है, मनी भी अच्छा रहने वाला रहेगा। फर्स्ट फैलेंज की लेंथ अच्छी है तो विल पावर अच्छा है, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा धन के मामले में व्यक्ति को लक्की बनवाती है, क्योंकि ये एक प्रकार का साइन होता है जिसके कारण धन जो है आप जैसे लोगों के लाइफ में अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसे लोग टेंस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि रिएक्शन किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी दे देते हैं, तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका लंबाई में ज़्यादा है, तो यही इंडिकेट करता है कि आप बैठे बैठे एक से ज़्यादा काम ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम यानी फील्ड वर्क आपसे हो पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बात करें आपके इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन की, तो ये अच्छे डेवलप हैं, तो कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर उत्साह उमंग अच्छा रहता है, प्लानिंग अच्छे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र की बात करते हैं तो गुरु पर आपके प्रोग्रेस लाइन अच्छी पहुँची, लेकिन ये रेखा धुंधली सी हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने एम्बिशन पर ध्यान नहीं दिया है। एम्बिशियस बहुत नेचर है आपका और यही रीज़न है कि आपके अंदर जुनून हौसला वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होने के कारण इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए और थोड़ा सा जो है मामला बिगड़ गया है। तो लेकिन कोई बात नहीं है, रेखा अवेलेबल है, फोकस जैसे ही देना स्टार्ट कर देंगे अपने लाइफ या खुद के ऊपर या अपने एम्बिशन के ऊपर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखेगी। फिर यहाँ पर जो इस प्रकार की आकृति बन रही है ये धार्मिक होने के योगों को बताता है कि आपका जो भी धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा, सोशल वर्क अपने लाइफ में आप अच्छा करेंगे। बाकी बात करें आपके यहाँ पर शनि के क्षेत्र की, तो शनि जो है फेट का कारक होता है, लक को इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में कैसे सेटिस्फाइड रहेंगे, आपका जो एम्बिशन है ड्रीम है वो पूरा होगा कि नहीं। तो देखिए सेल्फ मेड लक लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिख रहे हैं, कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप पाएंगे, सीधी बात है। और एक जो है चंद्र की रेखा जरूर जुड़ी हुई है जो यही इंडिकेट करती है कि लाइफ में दूसरों द्वारा अच्छा प्रोत्साहन आपको मिल सकता है, मदर से अच्छा अटैचमेंट लगाओ, उनसे सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों से अच्छा स्नेह प्रेम या सहयोग मिल सकता है। लेकिन मेन कौन सी लाइन है, मेन आपकी लाइफ लाइन से ही फेट लाइन निकली हुई है, तो सबसे पहले कदम आपको ही बढ़ाना होगा, मेहनत आपको ही करनी होगी, अप्रोच आपको ही करनी होगी, तब जा करके बाहरी चीज़ें आपके साथ जुड़ेगी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मेहनत से कभी भी ना डरें और अपना फोकस जो है बिल्कुल सही कर लें, क्योंकि अगर अभी का टाइम भी आपने अपना डिस्टर्ब किया तो आगे फ्यूचर में भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि रेखाएं देखिए थोड़ी सी टूट रही हैं, अगर फोकस देंगे तो ये रेखाएं मजबूत हो जाएंगी, सब जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, तो लाइफ में डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा और परमानेंट अर्निंग भी रहेगा। तो फेट फिलहाल अच्छा है, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है और उन नॉलेज पर आपको घमंड भी रहेगा, तो किसी को अच्छा एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी सूर्य रेखा है, देखिए सूर्य रेखा नेम फेम पॉपुलैरिटी यश को इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा और अच्छा नाम शोहरत भी कमाने वाला रहेगा।
लेकिन जब इस प्रकार की आड़ी रेखा काट जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कमी है जिसके कारण डिफेम हो रहा है, या उस काम के प्रॉपर नतीजा नहीं मिल रहा है, या फिर पिता से रिलेशन में प्रॉब्लम ट्रबल आ रही है। तो इसीलिए सूर्य के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको लाइफ में प्रोग्रेस ग्रोथ अच्छी मिल सके, और यहाँ पर एक प्रकार से यश के योग भी हैं जिसके कारण अच्छा प्रॉपर्टी बनने के योग आपके अवेलेबल हैं। खुद के दम पर आप प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट अपने लाइफ में कर पाएंगे और ग्रोथ सक्सेस ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में प्रॉपरली आपको मिल पाएगी। बात करें आपके मर्करी माउंट की तो ये थोड़ा सा कम उभरा हुआ है, तो मन के अंदर बहुत बातों को दबाएंगे आप, और एक से अत्यधिक रेखा मधुरभाषी केश्म के पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो बहुत मीठी बोली रहेगी, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा और अपने बोली से आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो यही नेचर कंटिन्यू रखें, ग्रोथ अच्छी मिल पाएगी। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति यानी फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को इंडिकेट करता है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑब्वियसली आपका रहेगा, और मेनली फैमिली के ऊपर फोकस अगर आप देंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हृदय रेखा इस प्रकार से निकल के ऊपर की ओर उठिए, जो बहुत ईमानदार भरोसेमंद यहाँ पर पर्सनैलिटी को बताता है। और सपोर्टिव हार्ट लाइन जो गुरु से कनेक्टेड है, एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा आप भावुक इंसान हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। यहाँ पर जो लाइन ये नीचे की ओर आ रही है और इस प्रकार से डब आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन में चल रहा है, ये मूड स्विंग को भी इंडिकेट करता है। तो ये मूड स्विंग भी आपका इसी के कारण हो रहा है, लव रिलेशंस कॉम्पिटिशन इन सब से। तो तीन चार चीज़ों को एक साथ मत लीजिए, सबको कहिए भाड़ में जाए। अब अपने सिर्फ करियर और अपने खुद के ऊपर फोकस दीजिए, और कोई भी रिलेशन में आने से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि रिलेशन में आकर के, शादी के पहले रिलेशन में आकर के आपको हर्ट ही होना रहेगा। यहाँ पर नीचे की ओर भी रेखा आ रही है तो गुस्सा भी आपका थोड़ा ख़राब रहेगा, गुस्से पर भी कंट्रोल करना है आपने। और माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन अभी फोकस अच्छा हो रहा है, और ये डबल माइंड लाइन से डरने वाली बात नहीं है, बस यही है इसका मीनिंग कि एक पहलू के ऊपर आपके दो विचार रहेंगे। जैसे सिक्का होता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल होता है, वैसे ही आगे चल करके आपके विचार जो है एक से ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है, आपके फोकस हो रही है माइंड लाइन में, ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकल के मिडिल में आया हुआ है, तो करियर फोकस सेल्फ फोकस अच्छे रहेंगे, और एक रेखा अंदर भी झुकी हुई है तो फैमिली से कनेक्शन बॉन्डिंग अटैचमेंट अच्छा देखने को मिलता है। सहयोगी रेखा भी, मंगल रेखा भी चल रही है, तो प्रॉपर्टी के योग भी हैं, भाई का सहयोग भी अच्छा जीवन में मिल पाएगा भाई बहनों का, और बात करें दूसरों का सहयोग भी आपकी लाइफ में अच्छा बना रहेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा कम विकसित हुआ, थोड़ा दब गया है, तो खान पान पर अत्यधिक ध्यान देवे, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है तो मानसिक बल अच्छा है, उस पावर एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी व्यक्ति को ले जा सकती है, तो इसीलिए खबरदार रहें। शुक्र माउंट ज़्यादा डेवलप है तो ये थोड़ी कामुकता को इंडिकेट करता है, अपोजिट जेंडर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज यानी अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो फैमिली लाइफ अपोजिट जेंडर इन सबसे रिलेटेड रहने वाला है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ लाइन में देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइन आपकी निरंतर चल रहा है, तो जीवन में आपको हमेशा कहीं ना कहीं अचीवमेंट प्रोग्रेस मिलते रहेगा। तो खुद पर बिलीव करें, एक दो आड़ी रेखा ज़रूर है राहु की, जो आपको 41, 42 और उसके पहले 36 में ट्रबल दे सकती है, लेकिन कोई बहुत बिग इशू नहीं है। केतु पर विभाजित जीवन रेखा यात्रा अच्छी करवाती है, और चंद्र की आड़ी रेखा बेचैन ज़्यादा कर सकती है, आपको बेचैनी रह सकती है, या फिर मन से थोड़े दुखी रह सकते हैं, एनजाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है। मेडिटेशन सबसे रामबाण उपाय है, सही हो जाएगा सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट होने लग रहा है, और यहाँ पर एक प्रकार से स्क्वायर का साइन भी है, जो चंद्र का एरिया यानी बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके ब्राइट हैं, तो क्यों ज़बरदस्ती इन सारी चीज़ों में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। अब पूरा समराइज़ करके मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी तक आपके माइंड में फोकस नहीं था, आगे चल करके यानी इसी साल से तकरीबन आपके माइंड में अच्छा फोकस आ जाएगा। कंपटीशन में ध्यान अच्छा दीजिए, करियर पे ध्यान अच्छा दीजिए, ग्रोथ आपको मिलेगा, लाइफ में बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपके अभी आने वाली है, गई नहीं है, और शादी के पहले रिलेशनशिप में आना आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर जो यूनियन लाइन है ये थोड़ा लेटर इंडिकेट करती है, यानी 27, 28 अप्रोक्स शादी आपकी हो जाएगी, ज़्यादा लेटर नहीं है, आपके समाज में शायद ये देरी से हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के उसके पहले अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी टाइप के रहते हैं
तो उसमें आपको ट्रबल प्रॉब्लम ही रहेगा, और वो रिलेशनशिप कभी भी आपके लिए फ़ायदे में नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य पर भी एक प्रकार से क्रॉस का साइन है। जरूर यहाँ पर एक प्रकार से देखने वाले कह सकते हैं कि ये स्क्वायर का साइन है जो कि प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो ये क्रॉस यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, फिर यहाँ पर भी फेट लाइन पर क्रॉस हो रहा है, तो ले दे करके पूरा का पूरा आपका भाग्य कमज़ोर हो गया है। तो इसीलिए अपने आप पर काम फोकस करें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।